बात बात पर गालियाँ। मुझे क्या पहननी टी शर्ट? अरे टी शर्ट। भद्दे मजाक। You'll do nothing only. दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन पर हंसने वाले समय रैना आखिर है कौन? और इंडियाज गॉट लेटेंट से कितना कमाते हैं समय रैना? Well, कपिल शर्मा के अलावा भी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। इन दिनों शो इंडियाज गॉट लेटेंट काफी सुर्खियों में है। आए दिन इस शो के छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती रहती है। अब जो लोग इस शो के बारे में जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस शो में कॉमेडी के साथ साथ बद्दे बुद्दे कॉमेंट्स, बात बात पर गालियां और डबल मीनिंग बातें की जाती है। और ये शो किसी और का नहीं बल्कि समय रैना का है। लेकिन ये समय रैना कौन है? समय रैना कश्मीरी स्टैंड अप कॉमेडियन है जो इन दिनों अपने डार्क, वेरी डार्क और कॉन्ट्रोवर्शियल शो इंडियाज गॉट लेटेंट के चलते हेडलाइंस में है। समय रैना ने अपने दोस्तों के साथ इन्फ्लुएंसर नेटवर्क का सहारा लेते हुए यूट्यूब पर शतरंज के खेल की स्ट्रीमिंग शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्टैंड अप करना शुरू कर दिया। अपने हंसाने के तरीके के चलते समय मशहूर हो गए। समय रैना एक टैलेंटेड शतरंज प्लेयर भी है। समय ने हैदराबाद में अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, इसके बाद समय महाराष्ट्र चले गए और प्रिंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई पुणे से की। फिलहाल समय रैना फुल टाइम कॉमेडी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर समय रैना के 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर उनके 5.17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में आप लोग भी जानना चाहोगे कि समय रैना आखिर इंडियाज गॉट लेटेंट से कितने की कमाई कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर आयुष्मान पंडिता ने अपने एक वीडियो में समय की कमाई का खुलासा करते हुए कहा कि समय रैना हर महीने लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वेल, भरोसा नहीं हो रहा, चलो आप ये वीडियो देख लो। समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट से हर महीने 3 to 4 करोड़ रुपीस अर्न कर रहा है। इसमें यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप, एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप भी इंक्लूडेड है। कुछ एपिसोड्स में स्पॉन्सरशिप भी होती है जिसके चलते उन्हें 35 से 40 लाख तक की कमाई होती है। वेल, इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो है जहाँ मजाक की कोई हद नहीं है, जहाँ अभद्र भाषा की कोई सीमा नहीं है। उर्फी जावेद, रफ्तार, पूनम पांडे, निशांत अवर, दीपक कलाल और राखी सावंत जैसे सितारों को समय अपने शो पर बुलाते हैं। इस मंच पर कंटेस्टेंट आकर अपनी बातों के जरिए सभी को हंसाने और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर कंटेस्टेंट का स्कोर और जज का स्कोर देखा जाता है। अगर ये स्कोर आपस में मैच कर जाता है तो कंटेस्टेंट को दिन की टिकट बिक्री की कमाई में से हिस्सा मिलता है। क्या आपको भी समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट पसंद है? Do comment below and follow with chat for more videos.